एक बार शेयर करिएगा, स्क्रीन शेयर करने का हम परमिशन देते हैं। देन आई विल स्टार्ट। सर सो रहा है। और सर ये प्रिंट कर जा रहा है। टाइप ऑफ ए परसेंटेज डी इक्वल टू ए, यहाँ पर तुमको जो है प्रिंटेड फॉर्मेट लेना पड़ेगा। प्रिंट एलियन फॉर्मेट में हम लोग जो है ये परसेंटेज डी लिख रहा है ना, ये सी मोड में है, तो प्रिंटेड यूज करेंगे तब काम करेगा। अभी एज ए स्ट्रिंग आपका प्रिंट कर दे रहा है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जहां जो चीज का आवश्यकता है उसको यूज करिए, है ओके सर। ना। ये नीचे वाला तो आपको कमेंट में डालना है, ठीक है। बहुत टाइम लगेगा। ये क्या हो गया? इसका भी सर्वर रिलेटेड इशू है, वो आपका काम करेगा, हम अभी करके दिखा देते हैं आपको, ओके सर। लेकिन आपको खुद से करना जरूरी है। और कहीं लिखा हुआ नहीं है कहीं नोटपैड या कोई एडिटर पर, वीएस कोड? सर फिर से वही ओपन हम कर देते हैं वो हम। यस, आ गया। ठीक सर फिर से ओपन कर रहे हैं वो मेरे है, में तो सेव शेयर है। करो, ओपन करके शेयर करो। देखिए, जब भी आपको कन्वर्शन स्पेसिफायर यूज करना होगा, तो इतना ही कॉन्सेप्ट समझना है कि उसमें आपको प्रिंटेफ स्कैनएफ यूज करना होगा, ठीक है। और प्रिंट एलेन डायरेक्टली आप मैसेज के लिए प्रिंट एलेन यूज करेंगे। अगर मैसेज विथ वैल्यू यूज करना है तो वहां पर आप सी मोड का प्रिंटेफ यूज कर सकते हैं। मैसेज विथ वैल्यू तो कन्वर्सन स्पेसिफायर अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप यूज, एंड जिस तरह का डेटा टाइप आप लेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका वो प्रिंट सेक्शन काम करेगा। सर टाइम ले रहा है, नहीं ओपन हो रहा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा।
ठीक है ना। यहाँ पर न्यू लाइन यूज कर लीजिए, एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया। गिट ओके। ओके सर। बस वही आप प्रिंट है, वो सर डिले हो रहा है आपके सिस्टम में, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज आपके सिस्टम पर हो रहा होगा और सर्वर भी इसका डाउन होगा इसलिए नहीं हो रहा होगा। तो ये केवल ध्यान में यही रखना है कि जब भी कन्वर्सन स्पेसिफायर यूज करना है तो प्रिंटेफ स्कैनएफ यूज करेंगे। तो स्कैन से भी हम लोग इनपुट लेते हैं, बट व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ स्कैन और स्कैन एलएन देन वी डू नॉट यूज एनी कन्वर्सन स्पेसिफायर, ओनली वी यूज एम्परसेंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर along with the variable. तो variable के साथ address of operator आपका use हो जाता है, ठीक है ना। तो last class हम लोग कहाँ तक discuss किए थे, else if ये discuss कर लिए थे, उसके बाद nested if भी कर लिए थे ना discuss। Anyone? Ladder if हो रहा था सर, switch statement भी कर लिए थे। Now, today we discuss about a switch statement. Basically, as like C, C++, Java, in Go programming also there is a switch statement. But the way in which we are writing the particular code in Go is different from C, C++ as well as Java. Because as like semicolon is automatically or implicitly adjustified by the Go compiler, your cases under switch statement is also automatically or you can say implicitly break or with each other. So automatically ye break statement yahan kaam karta hai, so there is no need to use any break statement whenever you are going to write a case value for the particular switch statement. At the same time, earlier we discussed about the else if ladder statement in Go programming. So it is also one of the alternative, or you can say alternative for else if ladder or else if chain statement for in Go programming language. So else if ladder statement ke jagah hum switch statement bhi use kar sakte hain. So what is the use of switch here? So Go programming may be as like any programming language in data structure, you are writing a minute based program, minute driven program like a stack, queue, linked list. So whenever you are going to use that sort of structure, then you have to arrange the data in a specific manner, and there are a number of operations you have to perform. So you have to perform number of operations on the same structure. So for that, you do not write a separate program for each operation. आप एक ही प्रोग्राम लिखते हैं जिस प्रोग्राम में ईच एंड एवरी ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो लाइक इन स्टैक वी हैव एन ऑपरेशन, वी हैव ऑपरेशन लाइक पुश, पॉप एंड पिप। तो पुश इज यूज्ड टू इंसर्ट अ डेटा, पॉप इज यूज्ड टू डिलीट डेटा, पिप इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा एनी टाइम व्हेनेवर यू वांट टू सी द आउटकम, ठीक है ना, आफ्टर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन लाइक पुश एंड पॉप। तो पुश और पॉप के ऑपरेशन यूज करने के बाद अगर आप डिस्प्ले करके देखना चाहते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर लिस्ट, देन यू कैन कॉल द पर्टिकुलर पिप फंक्शन। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ स्विच हियर, तो व्हेनेवर यू आर हैंडलिंग दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन विच वेरियस ऑपरेशन इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, देन यू कैन यूज अ मेनू बेस्ड प्रोग्राम, एंड इन मेनू बेस्ड प्रोग्राम और मेनू ड्रिवन प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट गिव्स यू अ लॉट ऑफ असिस्टेंस। तो स्विच स्टेटमेंट के थ्रू वी कैन डिजाइन द मेनू, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेनू एनी वन एनी यूजर कैन एक्सेस द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, वट एवर ऑब्जेक्टिव इज प्लेस्ड इन द मेनू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो एक चीज यहाँ डिफरेंस है कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आपका होगा एडजस्ट होगा, लेकिन एक यहाँ पर एक फॉल थ्रू कीवर्ड भी यूज होता है। तो फॉल थ्रू कीवर्ड हम लोग कीवर्ड जब पढ़ रहे थे तो देखे थे, तो फॉल थ्रू इज जस्ट यूज टू कंटिन्यू द केसेस। तो फॉल थ्रू जब आपको यूज करेंगे तो किसी भी केस के स्टेटमेंट के ठीक बाद अगर फॉल थ्रू यूज कर लेते हैं देन
योर स्टेटमेंट कंटिन्यू, आपका स्टेटमेंट कंटिन्यू हो जाएगा, यानी केस वैल्यू वन के बाद केस टू, केस थ्री, केस फोर, जितने नंबर ऑफ केसेस होंगे सारे केसेस आपका वन बाय वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट होना शुरू होंगे. बट इफ यू आर नॉट यूजिंग फॉल थ्रू देन ऑटोमेटिकली विदाउट यूजिंग एनी ब्रेक स्टेटमेंट योर गो कंपाइलर सेपरेट ईच केसेस फ्रॉम अदर, एक केस से दूसरे केस को सेपरेट ऑटोमेटिकली कर लेगा इम्प्लिसिट मैनर में. तो एक डिफरेंस है यहाँ सी सी प्लस प्लस जावा में कि ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट यूज हियर, और एक और डिफरेंस है यहाँ पर कि फॉल थ्रू इज यूज व्हेनेवर यू वांट टू कंटिन्यू द पर्टिकुलर केसेस, यानी कि केस वन से लेकर सबको, सपोज अभी हम लोग लूप कंस्ट्रक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो वी कैन इफ यू वांट टू चेक ऑल द केसेस एट ए टाइम देन यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर फॉल थ्रू आफ्टर ईच केस वैल्यू, यानी केस वैल्यू के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें एज लाइक ब्रेक स्टेटमेंट, इन प्लेस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट यू जस्ट मेंशन फॉल थ्रू, तो इट विल कंटिन्यू द केसेस, सारे केसेस को वो कंटिन्यू कर देगा. अदरवाइज फॉल थ्रू हम लोग यूज कहाँ करेंगे, लेटर ऑन जब प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें फॉल थ्रू जहां पर जरूरत होगा कंटिन्यूएशन का, स्टेटमेंट कंटिन्यूएशन का, वहां फॉल थ्रू यूज करेंगे. तो जस्ट वी टेक वन एक सिंपल एग्जाम्पल प्रोग्राम लाइक टू एड टू नंबर, टू चेक नंबर, इवन ऑड, एज लाइक इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट दिस इज द सैंपल वन. You can customize and design your own menu for a specific project. So suppose if you are working on a specific project, like any types of game you are designing, so you can place any options as a menu over there and just to initiate the particular operations. So operations ko initiate karne ke liye, you can use this switch statement over there to make a menu for the game. You know, or for other project also, so number of projects are there. You can design in Go language because a lot of supports you will get from different programming language inside the Go. So features. So, agar humko to add, to check, ye simple likhna hai, so the way in which you are writing program in C, C++, Java, the same way you can write program in Go programming language. Okay, na? So user entered their choice. What is the ratio? First of all, हम लोग क्या करते हैं? मेनू बनाते हैं. तो यू कैन प्लेस ऑल द ऑब्जेक्टिव, व्हाटएवर ऑब्जेक्टिव यू वांट टू एग्जीक्यूट एज ए मेनू, फ्रॉम वेयर द यूजर गेट प्रिविलेज टू सेट द पर्टिकुलर चॉइस, एंड वंस द यूजर सेट द चॉइस देन यूजर इंटर देयर चॉइस, एंड आफ्टर इंटरिंग ऑफ द चॉइस एंड यूजर इनपुट जब से मिलेगा, अब यहाँ पर एक और चेंजिंग क्या है, बिकॉज यहाँ पैरेंथिसिस एज ए एक्सप्रेशन जो है डिलिमिटर यूज नहीं होता है, वो फंक्शन में यूज होता है. तो जैसे कंडीशंस में हम लोग पैरेंथिसिस नहीं लिए, यहाँ भी आपका जो चॉइस होगा इट इज नॉट इनक्लोज्ड, चॉइस और एनी एक्सप्रेशन विच इज यूज टू स्विच द पर्टिकुलर केस वैल्यू इन साइड द स्विच स्टेटमेंट. तो चॉइस इज इंडिविजुअली मेंशन हियर, नो पैरेंथिसिस और एनी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इज used to enclose the choice as like in C, C++ or you can say Java also. So opening brace and then the case value we mention here. Case value likhne ke baad colon jaise lete the waise hi lenge. Now the value may be your integer type, character type, string type also. Yahan par jis tarah ka aapka data hoga, value ke liye agar aap integer use karenge to integer choice ka data type integer type hoga. अगर यहाँ वैल्यू आप करेक्टर टाइप ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका चॉइस होगा. अगर कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं एज ए वैल्यू तो स्ट्रिंग के हिसाब से आपका चॉइस होगा, यूजर स्ट्रिंग जो है प्रेस करेगा या इंटर करेगा एज ए चॉइस. आफ्टर दैट जैसे स्टेटमेंट लिखते थे सी सी प्लस प्लस जावा में वैसे ही यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है. और यहाँ पर कोई सेपरेटर का यूज नहीं करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट, एंड देन यू जस्ट कंप्लीट दिस वन. नाउ वी जस्ट सी दिस वन. Let's see. This is the example program. You can enhance your own up different objective के लिए लिख सकते हैं. तो there is a particular variables choice and two number a b, and we just design a menu to add two number to subtract. In place of these two, you can design your own as per your objective.
तो यहाँ पर यू कैन डिजाइन, यू कैन ऑल्सो प्लेस हियर एनी मैसेज. Now कस्टमाइजेशन ऑफ मैसेज कुछ भी कर सकते हैं. Now we just, it is similar to the, like अभी हम लोग कोई लूपिंग यूज नहीं कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्ट कंटिन्यूएशन के लिए आइटरेटिव लूप कोई यूज नहीं कर रहा है इटरेशन के लिए. तो सिंपली एक बार आपका एग्जीक्यूट होगा एंड आई जस्ट डिस्कस दैट फॉल थ्रू इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर चेकिंग इंटायर कंडीशन एट ए टाइम वेन एवर यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी लूप कंस्ट्रक्ट हियर. तो FMT वहाँ पर हम लोग ब्रेक हटा कर चेक कर लेते थे, बट यहाँ ब्रेक हमको यूज ही नहीं करना है. तो ब्रेक यूज नहीं करना है तो उस केस में हम फॉल थ्रू इंट्रोड्यूस करके चेक कर सकते हैं. तो फॉल थ्रू सिंपली आपको उसी जगह प्लेस करना है जहाँ पर ब्रेक यूज करते थे. ठीक है. नाउ अगेन सी हियर वी आर यूजिंग हियर प्रिंटेफ एंड स्कैनएफ, ठीक है ना. तो इन प्लेस ऑफ वेयर यू आर प्रिंटिंग मैसेज यू जस्ट यूज प्रिंटेलन, ठीक है ना. तो यहाँ पर हम लोग प्रिंटेलन भी यूज कर सकते हैं. तो न्यू लाइन आपका डबल लाइन क्रिएट हो जाएगा अगर प्रिंटेलन यूज करेंगे तो. अगर प्रिंटेलन यूज करेंगे तो यहाँ न्यू लाइन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन प्रिंटेफ यूज कर रहे हैं तो स्कैप सिक्वेंसेस भी हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ा. तो स्कैप सिक्वेंसेस इंट्रोड्यूस किया गया. देन इंटर चॉइस, देन वी जस्ट राइट यूजर एंट्री यहाँ लिया. चॉइस एंट्री करने के बाद यहाँ बेसिकली इस चॉइस को हम लोग क्या करते हैं, इनक्लोज विद इन पैरेंथेसिस करते थे और यहाँ पर नहीं करना है. उसके बाद इमीडिएटली यू हैव टू मेंशन ओपनिंग कर्ली ब्रेस एंड देन केस वन. अंडर केस वन यू जस्ट राइट एनीथिंग एज लाइक अ सेपरेट प्रोग्राम, जैसे जो कुछ जैसे लिखते थे उसी तरह से लिखेंगे. दो नंबर को जोड़ना है या इवन और चेक करना है वो डिपेंड करेगा आपका. उसके बाद जो है केस टू एंड डिफॉल्ट, इन डिफॉल्ट यू जस्ट प्रेस एनी मैसेज वट एवर मैसेज यू वॉन्ट टू प्रिंट हियर. ठीक है. नाउ बिकॉज आई जस्ट टेक द सेम कोड, that's why इसको कमेंट में डाल दिए हैं. यू कैन डिलीट दिस वन ऑल्सो. तो नाउ अभी इसमें फॉल थ्रू हमारा यूज नहीं हो रहा है. तो अगर हम केस वन सेलेक्ट करेंगे तो केस वन यूज होगा, उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा. तो जस्ट से प्रोग्राम 18. सेलेक्ट एनी ऑप्शन एट ए टाइम या और भी जो भी मैसेज आपको टू एड टू सब्ट्रैक्ट. तो सपोज वी जस्ट सेलेक्ट टू, देन देर इज ए प्रिविलेज टू इंटर टू नंबर एंड देन आफ्टर द डिफरेंस इज डिस्प्लेड. सिमिलरली when you want to use first, then you just press choice first, again you enter two number and you will get the addition of that two number, right. So after that ab yahan par kya hai, 1 and 2. So 1 and 2 dono ko ek sath dekhne ke liye hum log loop construct use karte hain, but right now hum log jo hai abhi loop construct use nahi kar rahe hain. So you can use फॉल थ्रू हियर जस्ट टू कंटिन्यू द पर्टिकुलर. लेकिन अगेन अगर आप केस में टू डालेंगे तो आपका केस वन एग्जीक्यूट नहीं होगा. आपका पॉइंट जो आपका सिलेक्शन है वो जहां से इनिशिएट हुआ वहीं से फॉल थ्रू काम करेगा. इट डजेंट मैटर वेदर यू आर यूजिंग फॉल थ्रू इन ऑल द केसेस और नॉट. इफ यू आर मेंशनिंग फॉल थ्रू इन ऑल द केसेस स्टिल ओनली द फॉल थ्रू वर्क्स फ्रॉम वेयर द पर्टिकुलर केस इज इनिशिएटेड. तो जहां से केस इनिशिएट होगा वहीं से आपका फॉल थ्रू.
ठीक है ना। तो अब इसको अगर हम लोग सेव कर लें, नाउ अगर हम लोग केस वन यहाँ प्रेस करेंगे, देन नाउ इंटायर केस एग्जीक्यूटेड। अब दो केस है, इवन योर डिफॉल्ट वन इज ऑल्सो गेट एग्जीक्यूटेड हियर। लेट्स सी, तो वन प्रेस करें, इंटर टू नंबर सपोज 12 एंड 23, 35। अगेन द स्विच इज कंटिन्यूड फॉर सेकेंड एंट्री 23 एंड 12, दैट इज द डिफरेंस। नाउ सी आफ्टर प्रिंटिंग डिफरेंस रॉन्ग चॉइस इज ऑल्सो डिस्प्लेड। ये ना, अब लेकिन यहां पर अगर अगर हम यहाँ चॉइस टू प्रेस कर देंगे तो हमारा केस वन एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब है कि इनिशियल इनिशियल पॉइंट आपका जो भी है वहां से ही कर्सर काम करेगा। तो केस टू है तो फॉल थ्रू आपका जो है केस टू से आगे बढ़ेगा। तो अगर हमारे पास 10 केसेस है तो 10 केसेस में हम अगर 1 से 10 तक चेक करना चाहते हैं तो हमको चॉइस यूजर से 1 डलवाना होगा। यानी कि यूजर जब 1 प्रेस करेगा तो ये फॉल थ्रू आपका क्या है, इंटायर केसेस को चेक करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आवाज नहीं जा रही है क्या जी? तो इज इट ओके और एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस? नो डाउट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द गो टू स्टेटमेंट। तो गो टू स्टेटमेंट इज ऑल्सो सिमिलर टू द CC++, ठीक है ना। तो CC++ में जैसे हम लोग गो टू के लिए लेबल बनाते थे और उस लेबल में जो कुछ भी लिखते थे एज इट इज, तो ये सिंटेक्स आप CC++ में यूज किए हुए हैं। तो अभी एक सिंपल प्रोग्राम को इवेंट नॉट का कोई दिखाएंगे, कौन शेयर करेंगे वो रेज द हैंड। गो टू स्टेटमेंट को यूज करके यू कैन यूज गो प्लेग्राउंड एनी एडिटर, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड, VS कोड, सिंपल प्रोग्राम। वो विल एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम and share the same during writing of the code. Anyone who is connected through laptop, Asis Rahul, Sachin Raj, Asis Kumar, Shubham Raj, anyone? Abhimanyu Kumar, कौन कौन बताएंगे? वीडियो ऑन करिए तो जी। आशीष कुमार, आई जस्ट चेक आउट वेदर आशीष कुमार इज सिटिंग देयर और एनी रोबोट इज देयर। आवाज नहीं जा रही किसी को जी? आ रही है सर। सर आ रही है। तो शेयर करिए, सब लोग मोबाइल लेकर बैठे हैं क्या जी? कोई लैपटॉप नहीं खोले हैं? कभी लैपटॉप भी से कनेक्ट हो जाइए, 2 मिनट लगेगा।
एंड इवन इफ मोबाइल देन यू कैन यूज मोबाइल ऑल्सो, वहां पर भी आपका वो काम करेगा, सबके पास 5G सेट होगा ना। अभी कौन शेयर किए थे? निकिता तुम ही शेयर करो। राज बल्लभ ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सब लोग खाली मोबाइल कनेक्ट करके बैठे रहते हैं। शुभम ये कोई शेयर करो, नहीं कर पाओगे। लोग ऑडियो से भी कनेक्ट नहीं है। प्रतीक सिंह, वर्षा कुमारी, आशीष राहुल, कौन दिखाएंगे जी? बता नहीं रहे कोई। बेसिकली गो टू स्टेटमेंट,
देखिए यहाँ पर अब क्या है कि अगर आपका कंट्रोल ई के पास ये ट्रांसफर होगा, अगर यहाँ से कंट्रोल ई को, तो ई के बाद फिर आपका जो है कंटिन्यूएशन की तरफ है, तो ई के बाद आपका जो है वो टर्मिनेशन के लिए, तो यहाँ पर सी में जैसे करते थे वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। Any number suppose 345 is odd value, ठीक है। तो यहाँ तो इस केस में डायरेक्टली आपका गो टू यहाँ कर्सर चला गया, लेकिन अगर हम कोई इवन वैल्यू यहाँ पर अगर लेते हैं सपोज 24, देन यू शैल जस्ट सी कि आफ्टर प्रिंटिंग इवन वैल्यू ऑड वैल्यू इज ऑल्सो प्रिंटेड, यानी 24 इज इवन वैल्यू एज वेल एज 24 इज ऑड वैल्यू। तो यहाँ पर दोनों के बीच में टर्मिनेशन के लिए क्या यूज करेंगे, एनीवन? आवाज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जी, रिस्पॉन्ड करिए, क्या कर सकते हैं, क्या ब्रेक यहाँ यूज करेंगे तो ये काम करेगा कि ब्रेक हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से बाहर कर देता है? तो यहाँ पर ब्रेक यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सी मोड में क्या था कि वी जस्ट मेक अ न्यू लेबल हियर एंड प्लेस दैट लेबल एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर। तो हियर इफ यू वांट टू प्रिंट एनीथिंग जस्ट टू चेक आउट वेदर योर लेबल इज वर्किंग और नॉट, तो यू जस्ट प्रिंट हियर। Now when you put any even number, then after printing even number your control move to the end of the particular program, any in the end we are displaying certain message, so wo message hamara yahan par display ho gaya। तो सेम थिंग वी जस्ट डू इन द पर्टिकुलर सेक्शन। आई थिंक दैट की